खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। शिवपुरी पुलिस द्वारा नशीले मादक पदार्थ के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। 9,20,000 रुपए के गांजे एवं 10 लाख के ट्रक के साथ 4 आरोपियों को दबोचा। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री राजेश सिंह चंदेल ने समस्त थाना प्रभारियों को नशीले मादक पदार्थ रखने वाले एवं उसका परिवहन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके परिणाम स्वरूप थाना दिनारा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9,20,000 रुपए का गांजा एवं एक ट्रक कीमत 10 लाख, कुल मशूका कीमत 19,20,000 रुपए का जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दिनांक 4/6/19 को थाना प्रभारी दिनारा कैलाश नारायण शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मानसरोवर होटल के पास हाईवे के किनारे एक ट्रक टाटा 1109 खड़ा है, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ है एवं थाना दिनारा की तरफ आने वाला है। थाना प्रभारी दिनारा द्वारा अवगत कराने पर अति पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री गजेंद्र सिंह कंवर एवं SDOP करेरा श्री आत्माराम शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दिनारा के नेतृत्व में टीम बनाकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा थाना चौकी हाईवे पर पहुंचकर नाका लगाकर चेकिंग प्रारंभ की गई। करीब 20 मिनट बाद टाटा 1109 गाड़ी क्रमांक CG05D07883 करेरा तरफ से आती हुई दिखी। जैसे ही पुलिस टीम ने उक्त ट्रक को रोकने की कोशिश की तो चालक द्वारा ट्रक को भगाने की कोशिश की गई, परंतु पुलिस टीम ने बड़ी ही मुस्तैदी और साहस के साथ उक्त ट्रक को रोककर चालक को दबोचकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मलखान पुत्र ज्वाला प्रसाद राय, उम्र 38 साल निवासी टीला का होना बताया एवं 3 अन्य साथी मोहन सिंह पुत्र बनवाली बाढ़ई उम्र 28 साल, गजेंद्र सिंह पुत्र लखनलाल दुबे उम्र 30 साल, देवेंद्र पुत्र पूरण राय उम्र 25 साल निवासी गण टीला का होना बताया। बाद में आरोपी के ट्रक की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक के फर्श की चादर में लगे नटों पर संदेह होने पर नट खोलकर चादर हटाकर देखा तो नीचे बॉक्स में सेलो टेप से पैक किए हुए गांजे के 92 पैकेट कुल गांजा 92 किलो कीमत लगभग 9,20,000 रुपए का मिला। बाद में ट्रक की कीमत 10 लाख एवं गांजा कीमती 9,20,000 रुपए, कुल मशूका 19,20,000 रुपए को विधिवत जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी दिनारा KN शर्मा, R दीपेंद्र सिंह गुर्जर, अंकित सिंह, बलबीर सिंह, रामवीर सिंह, मनीष गोस्वामी हिमाचल सैनिक, धर्मपाल सिंह की सराहनीय भूमिका रही। ये थाना दिनारा की कार्रवाई है कि थाना प्रभारी को एक सूचना मिली थी मानसरोवर ढाबे की तरफ से एक टाटा का ट्रक है जिसमें अवैध मादक पदार्थ भरा हुआ है वो आने वाला है। उन्होंने वहाँ पे चेकिंग चालू की और उसको रोका स्टडी से इनकी टीम ने। उसमें जब चेक करने में 4 लोग पाए गए, मलखान, देवेंद्र, गजेंद्र और एक मोहन सिंह। इनसे पूछताछ की गई और फिर की जब ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में जो चादर है उसके नीचे नटबोल्ट के अंदर करीबन 92 किलो गांजा पैकेट में भरा हुआ था, तो उस पर से कार्रवाई करके इनको NDPS की कार्रवाई की, इनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये कहाँ से क्या माल ला रहे थे उसकी पुलिस अभी बेचना पूछताछ करेगी। एक बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई है जिसमें SDOP और एडिशनल SP का मार्गदर्शन इसमें रहा है। कीमत कितनी रही होगी? कीमत 9 लाख की कीमत का गांजा है और गाड़ी कीमत 10 लाख के आसपास। उसमें कितने आरोप पकड़े गए? 4 आरोपी। खबर समय जगत के लिए शिवपुरी से निशी भार्गव की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।